फोर वे एक्शन चालू है, ब्लाइंड 150K, 300K, और क्रिगिनबर्ग अपने 4.1 मिलियन स्टैक के साथ ऑल इन जाते हैं, करीबन 14 बिग ब्लाइंड के लिए क्वीन टेन हार्ट्स के साथ। स्कार्टन के पास पॉकेट सिक्सेस है और बहुत ही बड़ा स्टैक है कॉल लाइन पे। स्माइल कर रहे हैं, वही सोच रहे हैं कि क्या उन्हें कॉल करना चाहिए। बिग ब्लाइंड पे रॉको है जिनके पास 11.7 मिलियन तो है, तो शायद स्कटिन को लग रहा है कि वो कॉल फोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ पे, या वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैं ऑल इन चले जाऊं और रॉको पर भी प्रेशर डालूं। मुझे लग तो नहीं रहा है कि वो ऑल इन जाएंगे, बट अपने वो टाइम बैंक चिप्स यूज कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या डिसीजन है। फोल्ड भी कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि उनको बेटर स्पॉट मिल सकता है। वो चिप लीडर हैं और शायद वो अपना चिप लीड यहाँ देना नहीं चाहते आईसीएम की वजह से, और वो होल्ड करते हैं। यस यस, वो अपना चिप लीड, एंड रॉको ने मॉन्स्टर हैंड पिकअप कर लिया है बिग ब्लाइंड पे। एस क्वीन ऑफ क्लब्स डोमिनेट कर रहे हैं, वो क्वीन टेन हार्ट को स्नैप कॉल करते हैं। यहाँ पे है एंड क्रैगनबर्ग यहाँ पे डोमिनेटेड है रॉको के एस क्वीन क्लब्स के अगेंस्ट। होप कर रहे हैं कि हार्ट या एक टेन खुल जाए, तो किंग ऑफ क्लब्स, सेवन ऑफ स्पेड, सेवन ऑफ हार्ट्स, एस हाई अभी भी गुड है। उनको बैकडोर हार्ट चाहिए या एक टेन चाहिए। टर्न थ्री ऑफ स्पेड्स, उनके बैकडोर फ्लश ड्रॉ भी नहीं हो सकता अभी, सिर्फ और सिर्फ ही टेन उनको बचा सकता है। इधर उधर देख रहे हैं टेन की खोज में, और रिवर्स सेवन ऑफ क्लब्स और एस हाई गुड है। दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्ले रिस्पॉन्सिबली।